बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब ट्रेजर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ब्स जो हम पढ़ रहे हैं अपने वीडियोस में, सो इससे अगर आप थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक नया सब्जेक्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट मी टेल यू कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है, किसी के बारे में बताया जाता है बहुत ही लंबा, तो उसको बस एक वर्ड में ही कन्वर्ट कर देते हैं, इनका मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं भारत में रहने वाली हूँ, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि मैं भारतीय हूँ, तो ये तो बिल्कुल सेम है, इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। तो यही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है जिस वस्तु पर अधिकार जताया जा सके, अध्यर्थ, जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतक्रिय, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, अथमना, बिना हर जूते उगने वाली फसल, आकृष्ट पच्चा, जो घबराने वाला ना हो, अकातर, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, एक एक अक्षर तक, अक्षरशः, बिना वेतन का, अवैतनिक, जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली हो, आजाद स्मश्र, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञानी, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति। श्रुति का मतलब होता है बच्चों सुना हुआ, जो हमने दूसरों से सुना है। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, वह जिसने किसी से ऋण यानी कि कर्ज लिया है, वह अधमर्ण, जो कम खाता है, अल्पाहारी, अल्प का मतलब होता है बच्चों थोड़ा सा, और हारी आहारी यानी कि आहार को ग्रहण करने वाला, खाने वाला, अल्पाहारी, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अर्णिमा। अर्णिमा जो वर्ड है ये अणु से बना है, जैसे कि हम अटोम के बारे में पढ़ते हैं तो हिंदी में उसको अणु कहा जाता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉल यूनिट जिसको हम अटोम कहते हैं, इसको हम हिंदी में अणु कहते हैं, तो इसी से अणिमा बना है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतक्रिय, जो उद्धार करता है, उद्धारक, यानी कि सबकी हेल्प करने वाला, उद्धारक, गांडीव को धारण करने वाला, गांडीवधारी, जो पुरुष कविता लिखता है, कवि कहलाता है, जो स्त्री कविता लिखती है, कवयित्री कहलाती है, जिसने ऋण यानी कि कर्ज चुका दिया हो, ऊऋण, जो समय के अनुकूल ना हो, असामयिक, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य, जो सबसे आगे गिनने योग्य हो,
अग्रगण्य, अग्र का मतलब होता है बच्चों आगे और गण्य का गण, और अनियर से बना है ये गण्य। तो अनियर का मतलब होता है कि योग्य और गण गिनना, तो सबसे आगे गिनने योग्य जो होता है हम उसको अग्रगण्य कहते हैं। जो नहीं हो सकता, असंभव, तो इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हो सकता है उसको हम संभव बोल सकते हैं एक वर्ड में। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं, जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं, उनको एक वर्ड में कन्वर्ट किया गया है, और इस दौरान इनके मीनिंग में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप कभी भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे टॉपिक एक अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि ये हिंदी है और ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। तो अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे तो आगे की क्लास में भी हम आराम से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थैंक यू और जय।